खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां पर कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव के बयान पर भाजपा विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यजनक है कि सरकार का एक मंत्री सरकार के कामों से निराश होकर जो घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष रहा और आज जो ये कहते हैं कि वे मुख्यमंत्री पद के दावेदार आज भी हैं, सरकार में जिनकी मुख्यमंत्री के बराबर की हैसियत है, वह व्यक्ति अगर पहले कहे कि मेरी नहीं चल रही है और मैं गरीबों को प्रधानमंत्री आवास नहीं दे पा रहा हूं, मेरे आदेशों का पालन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं पंचायत विभाग को छोड़ रहा हूँ, चुनाव नजदीक आएगा तो मैं अपने भविष्य के बारे में निर्णय लूंगा। भाजपा नेता अग्रवाल ने कहा कि जिस सरकार की यह हालत हो, जिसे मुख्यमंत्री के ऊपर उनके मंत्री को भरोसा नहीं है, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर छत्तीसगढ़ की जनता को मुख्यमंत्री पर कैसे भरोसा होगा। आज ये कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार आज भी हैं और सरकार में जिनकी मुख्यमंत्री के बराबर की हैसियत है, वो व्यक्ति अगर पहले कहे कि मेरी नहीं चल रही है, मैं गरीबों को प्रधानमंत्री आवास नहीं दे पा रहा हूं, मेरे आदेशों का पालन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं पंचायत विभाग को छोड़ देता हूं, फिर वो कहे कि जब चुनाव नजदीक आएगा तो मैं अपने भविष्य के बारे में निर्णय लूंगा, और आज उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा, मैं समय पर तय करूंगा। क्योंकि फैसला नहीं लिया है तो तब तक का इंतजार मेरे लिए भी, सबके लिए भी। जनता कब तक? मैंने इस बार सही में मन नहीं बनाया, वरना अभी तक जितने चुनाव हुए हैं 2008, 2013, 2018, इसके पहले मन में भी था कि मन है लड़ने का, लोगों से पूछ के लड़ूंगा। इस बार वैसा मन नहीं है, लेकिन जो भी करूंगा पूछ के करूंगा।